कलौ चंडी विनायकौ। कलियुग में दो देवताओं का विशेष महत्व है, पहला है भगवती और दूसरे हैं विनायक श्री गणेश। ये दोनों देवता सद्यः फलकारी हैं, तत्काल इनकी उपासना का फल प्राप्त होता है। और अभी हमारे सामने श्री गणेश चतुर्थी महापर्व है, भगवान महागणपति की उपासना का। आइए आज इस विषय पर चर्चा की जाए। भाद्र शुक्ल चतुर्थी को भगवान श्री गणेश जी का प्राकट्य दिवस माना जाता है। ये पर्व क्यों मनाना चाहिए, कैसे मनाना चाहिए, गणपति जी की स्थापना, गणपति जी की पूजा किस तरह से की जानी चाहिए, इस समय हम लोग देखते हैं कि परंपरागत रूप से 10 दिन का गणेशोत्सव पर्व भी मनाया जाता है। तो गणेश जी की जो स्थापना की जाती है, वह किस प्रकार के गणपति की स्थापना अपने परिवार में की जाए, आदि आदि विषय हमारे सामने चर्चा में उपस्थित हैं। आइए क्रम से इनकी चर्चा की जाती है। शास्त्रीय पक्ष क्या है और हमारा शास्त्रीय विधान क्या है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के मत मतांतर हर विषय को लेकर आज समाज में व्याप्त हो गए हैं। विशेष करके व्रत पर्व और त्यौहार ये अपने मूल रूप को छोड़ते जा रहे हैं और नई नई परंपराएं इसमें प्रवेश करती जा रही हैं, जिसके कारण जो व्रतों का, पर्वों का और त्योहारों का वास्तविक स्वरूप है वह लुप्त होता जा रहा है। तो आइए इस पर थोड़ा सा ध्यान हम आकृष्ट अपना करें। पहली बात यह कि भगवान गणेश जी की पूजा के लिए भाद्र शुक्ल चतुर्थी तिथि को किस समय पर हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। देखिए, शास्त्रों की दृष्टि से जिस दिन मध्यान्ह काल में चतुर्थी तिथि हो, उस दिन भगवान गणेश जी की स्थापना और भगवान गणेश जी की पूजा की जानी चाहिए, मध्यान्ह काल में, अर्थात उसे अभिजित मुहूर्त कहा जाता है। यह लगभग 12:15 से 12:30 के बीच में जो मध्यकाल होता है, उस समय पर जो मुहूर्त होता है उसे अभिजित मुहूर्त कहते हैं। परंतु यह बुधवार के दिन नहीं होता, अन्य दिनों में जो अभिजित मुहूर्त मध्यान्ह काल का माना जाता है, उस दिन मध्यान्ह काल में हमें गणेश जी की स्थापना करनी है। अब गणेश जी की स्थापना कैसे की जाए, इसके पीछे एक कथानक है, एक पौराणिक आख्यान है। हम सभी जानते हैं कि देवी पार्वती ने भगवान श्री गणेश जी को अपने उपटन, जिसमें मृत्तिका का प्रयोग किया गया था, उस उपटन से भगवान गणेश की आकृति निर्मित की थी और उनमें प्राण का संचार करके गणेश जी को जन्म दिया। यह आख्यान हर जगह पर है, पर इसमें बड़ा तात्विक रहस्य है। इसमें यह समझने की बात है कि देवी पार्वती पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, तो जो प्रकृति की पुत्री है, जो पर्वतराज की पुत्री है, जो स्वयं प्रकृति देवी है, उन्होंने अपने पुत्र को किस दृष्टि से और किस माध्यम से पैदा किया, पार्थिव अर्थात मृत्तिका के प्रयोग से। जो लेप उन्होंने स्नान के समय पर अपने शरीर में लगाया था मृत्तिका का, उस लेप को एकत्रित करके एक आकृति बनाई और उस आकृति को अपनी सुरक्षा के लिए देवी पार्वती ने उसे एक बाल स्वरूप में प्राण संचार करके और उन्हें अपने शरीर से, अंग से स्वयं उद्भूत किया, इसलिए यह गिरिजानंदन है। तो यह जो स्वरूप भगवान का आया हमारे सामने गणपति जी का, और अपने पिताजी से जब उनका गृह प्रवेश को लेकर कुछ विवाद हुआ, तो भगवान शंकर ने त्रिशूल से शिरच्छेद किया और फिर बाद में देवी पार्वती के रुष्ट हो जाने पर एक हस्ती का, एक हाथी का सिर ला करके और शल्य क्रिया के माध्यम से भगवान शंकर ने उनके सिर पर आरोपित किया, तो फिर भगवान गणपति गजवदन कहलाए। तो यह जो भगवान गणपति का गजमुख हुआ, यहाँ से इस उपासना की पद्धति प्रारंभ होती है। तो जो हमारे घर में गणपति आना चाहिए, इसमें लेकर यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मत हैं। अब आइए इनको क्रम से हम लोग देखते हैं। पहले ये ध्यान रखना है कि हमारे घर में जिस गणपति की आराधना सामान्यतया हमें करनी चाहिए, वह होते हैं बाईं तरफ सूंड वाले, जिन्हें वक्रतुंड गणपति कहा जाता है, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा। तो ये जो वक्रतुंड गणपति हैं, जिनकी बाएं हाथ की तरफ सूंड होती है, क्योंकि बाएं हाथ में मोदक का पात्र है, लड्डू का पात्र है, और जब गणपति जी की सूंड उस पात्र पर आ जाती है और दाहिने हाथ से वरद मुद्रा बन जाती है, यह गणपति का सबसे श्रेष्ठतम स्वरूप गृहस्थ व्यक्तियों को पूजन के लिए माना गया है। इन्हें वक्रतुंड गणपति कहा जाता है, वक्रतुंड गणेश के रूप में इनकी आराधना की जाती है, और इनकी आराधना में कदाचित कोई त्रुटि भी रह जाए तो वह क्षम्य है, इसलिए गृहस्थियों को बाएं हाथ की तरफ वाले
सूंड के गणपति जी की पूजा करनी चाहिए। अब दूसरी जो गणपति की पूजा है वह है सिद्धि विनायक की पूजा। सिद्धि विनायक की पूजा तंत्र शास्त्रों के विधान से, तंत्र शास्त्रों की दृष्टि से बड़ी ही श्रेष्ठ मानी गई है, परंतु वह सामान्य जन के लिए नहीं है। जो दीक्षित साधक हैं, जिन्हें क्रम के अनुसार भगवान गणपति की दीक्षा मिली हुई है, जो गणपत्य संप्रदाय में अथवा भगवान गणपति की उपासना पद्धति में जिन्हें दीक्षा परंपरागत रूप से प्राप्त है, वह सिद्धि विनायक की उपासना करते हैं। सिद्धि विनायक की जो सूंड है वह दाहिने हाथ की तरफ होती है, और ये दोनों प्रकार की जो सूंड है ये प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। परंतु इसमें ध्यान ये रखना है कि सामान्य रूप से जो गृहस्थजन हैं वह बाएं हाथ तरफ सूंड के गणपति जी की पूजा करें, और जो अन्य साधक गण हैं वह जिन्हें परंपरा प्राप्त है, यदि उन्हें बाएं हाथ के गणपति की परंपरा प्राप्त है, वक्रतुंड की दीक्षा है, तो इस तरफ बाएं हाथ तरफ, और यदि सिद्धि विनायक मंत्र की दीक्षा है तो वो दाहिने हाथ तरफ के गणपति की उपासना कर सकते हैं। अब इसमें गणपति जी की जो प्रतिमा है वह किससे निर्मित होना चाहिए? हमने पहले ही देखा कि देवी पार्वती ने अपने अंग पर जो मृत्तिका का लेप किया था, जो मृत्तिका के द्वारा जो स्नान के समय पर उन्होंने उस मृत्तिका को स्नान के समय जब निकाल करके आकृति उस मृत्तिका की बनाई, तो वह जो पार्थिव स्वरूप हुआ वह भगवान गणपति कहलाए, पार्थिव गणेश। तो भाद्र शुक्ल चतुर्थी के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन हमें पार्थिव गणेश की पूजा करनी चाहिए, अर्थात जो मिट्टी से बने हुए हों। उस मिट्टी में विभिन्न प्रकार के जो पृथ्वी से जुड़े हुए तत्व हैं, जैसे पंचगव्य का प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें विशेष करके गोबर और जो अन्यान्य औषधियां हैं, प्रकृति से जुड़ी हुई जो वस्तुएं हैं, जो मृत्तिका से मिट्टी पर गोबर जब गौ माता का आता है, मिट्टी पर जमीन पर आता है, तो वह मिट्टी के साथ में जो मिट्टी का युक्त गोबर है वह भी बहुत काम का होता है, वह लक्ष्मी गणेश होते हैं। तो इस दृष्टि से उनकी स्थापना भी बना करके की जा सकती है पंचगव्य के साथ में। गोबर, गोमूत्र, दही, दूध और घी, इनको मिला करके हम घर में भी मृत्तिका गणेश की रचना कर सकते हैं और उनकी विधिवत पूजा कर सकते हैं। यदि यह कठिन लगे तो हम अपने घर में वही मिट्टी की प्रतिमा लेकर आए जिनकी पूजा करने का विधान शास्त्रों में दिया गया है, या विभिन्न प्रकार की जो अनेक बाहर से और अन्यान्य विदेशी इत्यादि संस्कृति से पनपे हुए जो गणपति की निर्मित विभिन्न धातुओं इत्यादि की निर्मित मूर्तियां आती हैं, वस्तुओं की जो मूर्तियां आती हैं, अपद्रव्यों की जो मूर्तियां आती हैं, यह पूरी तरह से निषिद्ध हैं। प्लास्टिक इत्यादि की मूर्तियां निषिद्ध हैं। गणेश जी की मूर्ति जो 10 दिन के उत्सव के लिए है वह मृत्तिका गणेश की है, पार्थिव गणेश की। इन्हें भी पार्थिवेश्वर गणपति पूजन का विधान माना जाता है इस परंपरा के अंतर्गत। तो जो चतुर्थी से और चतुर्दशी पर्यंत जो पूजन होने वाला है इसमें मृत्तिका गणेश की पूजा होनी है। और मृत्तिका गणेश की पूजा के साथ अब हम स्थापन पूजन कैसे करें? तो सर्वप्रथम स्नान आदि से पवित्र होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। विधान के अनुसार यदि हम पीले वस्त्र धारण करें तो बहुत शुभ है, अथवा श्वेत वस्त्र धारण करें। यदि हमें शांत और निष्काम भाव से भगवान गणपति की अपने परिवार की खुशहाली के लिए उपासना करनी है, श्वेत वस्त्रों में, पीत वस्त्रों में हम अपने आसन पर बैठ जाएं। आसन में यदि लाल आसन हो कंबल इत्यादि का तो बहुत उचित माना गया है। आसन पर बैठकर पूर्वाभिमुख और सामने एक पाटे पर लाल वस्त्र अथवा पीला वस्त्र, ये वस्त्र बिछा करके भगवान गणेश की प्रतिमा अब हमें स्थापित करनी है। देखिए, गणेश जी की प्रतिमा में जो कृत्रिम रंग होते हैं उनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसमें हम प्राकृतिक रंगों का प्रयोग कर सकते हैं, और उसमें जैसे लाल रंग का प्रयोग करना है तो रक्त चंदन का प्रयोग किया जा सकता है, गेरू का प्रयोग किया जा सकता है, और यदि पीले रंग का प्रयोग करना है तो हल्दी इत्यादि के द्वारा या पीली मिट्टी के द्वारा भी गणेश जी की प्रतिमा का निर्माण किया जा सकता है। तो पीली आकृति वाले गणपति अथवा जिनकी आकृति में लाल रंग है, ऐसे गणपति यह परिवार में पूजन के लिए श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो पीले और लाल, ये दो रंग परिवार की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं, और इसमें भी यदि ये दोनों रंग संयुक्त हैं तो भी गणपति की आराधना में बहुत श्रेष्ठतम होता है। इसका एक क्रम भी है। जो पीत वर्ण के गणपति हैं, जिन्हें हरिद्रा गणपति भी कहा जाता है, वह तंत्र शास्त्र की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
और उनके साथ जब रक्त गणपति अर्थात लाल वर्ण मिलता है गणपति में, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात होती है। और एक तीसरा भी विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया उच्छिष्ट गणपति का, जिन्हें नीले वस्त्रों में अथवा नीले रंग का गणपति जो बना करके और हम पूजन में सम्मिलित करते हैं नील वर्ण के, उन्हें उच्छिष्ट गणपति कहा जाता है। पर वह प्रयोग बड़ा अलग ढंग का है और सामान्य लोगों को करने का उसमें अधिकार नहीं है। जिन्हें दीक्षा है उच्छिष्ट गणपति की, वो उसका प्रयोग करते हैं। हमें उस प्रयोग के बिना जाने हुए उस प्रयोग के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है, क्योंकि हम लोग गृहस्थ लोग हैं, तो हम अपने गणपति की पूजा इन दो वर्णों के रूप में करें। और कदाचित किसी को सारस्वत साधना करनी है, सरस्वती की उपासना करनी है, जो विद्या से जुड़े हुए लोग हैं, जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, ये श्वेत वर्ण के गणपति जिनके सिर पर रक्त वर्ण की पगड़ी हो और पीत वर्ण का नीचे उनकी धोती इत्यादि हो और बाएं हाथ की तरफ सूंड हो, ऐसे गणपति की उपासना भी कर सकते हैं। तो अब पूजन विधि में सबसे पहले पाटे पर लाल वस्त्र या पीला वस्त्र बिछा लें, पूजन सामग्री सामने रख लें, गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य। तो सबसे पहले आवाहन में थोड़े से पीले अक्षत रख करके, अक्षत को थोड़ा हल्दी से रंग लें या केसर से रंग लें, और पाटे के ऊपर अक्षत रख करके उसके ऊपर गणपति की प्रतिमा स्थापित करें। और फिर भगवान गणपति की पूजा में आवाहन करते हुए श्री गणेशाय नमः आवाहनम समर्पयामि, ऐसा इस मंत्र को बोलते हुए अक्षत छोड़ें गणेश जी के ऊपर। और फिर ये पांच जो उपचार हैं, श्री गणेशाय नमः गंधम समर्पयामि, श्री गणेशाय नमः पुष्पम समर्पयामि, श्री गणेशाय नमः धूपम आघ्रापयामि, श्री गणेशाय नमः दीपम दर्शयामि, श्री गणेशाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि। अब ये जो नैवेद्य है इसमें कुछ विशिष्ट चीज़ें हैं। प्रथम तो यह कि भगवान गणेश को मोदक प्रिय है, और मोदक या लड्डू जो निर्मित हों वह शुद्ध और अपने घर के बने हुए हों तो इसे श्रेष्ठ माना गया है। बाजार में किस प्रकार का मोदक मिलेगा, किस प्रकार के लड्डू मिलेंगे, कहा नहीं जा सकता। इसलिए भले ही एक मोदक का भोग लगे पर गणपति जी को शुद्ध सात्विक अपने हाथ का बनाया हुआ, अपने घर का बनाया हुआ भोग नैवेद्य में के रूप में अर्पित करें। अथवा जो वस्तु हमारे सामने नैवेद्य के रूप में उपस्थित है, उपलब्ध है, उसका नैवेद्य लगाएं, फिर गणेश जी की विधिवत आरती करें। और पूरे दिन यदि संभव हो सके तो गणेश आराधना करनी चाहिए, अथवा प्रतिदिन एक निश्चित समय पर हम गणेश मंत्र को लेकर, या हमारी जो परंपरा में है गणपत्यथर्व शीर्ष इत्यादि जो स्तुतियाँ हैं उनके माध्यम से गणेश जी की सपरिया, गणेश जी की पूजा हम प्रतिदिन एक निश्चित समय पर कर सकते हैं और सायंकाल भगवान की आरती करें। यह तो हुआ हमारी गणेश चतुर्थी पूजा पद्धति का विधान। और उसके बाद में उस दिन से जो 10 दिन तक प्रतिदिन पूजन का यह क्रम रहेगा, प्रातःकाल पूजन और सायंकाल आरती और नैवेद्य, ये पूजन की पद्धति हमारी सामान्य पूजन पद्धति हो गई। अब इसके संबंध में बहुत महत्वपूर्ण जो इस आराधना काल में क्या क्या किया जा सकता है इसको लेकर हम अगले वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। इसी के क्रम में आप हमारे साथ बने रहें और अगला वीडियो जरूर देखें।